अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेबी प्रोडक्ट लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता है। ये आपको शॉप से या ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से आसानी से मिल जाएगा। इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी है। ये जो मैंने लार्ज साइज़ का मैंने ये किट लिया है, जिसमें 8 पीसीस मौजूद है। इसमें बहुत ही कूल और बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप किसी का कोई बेबी पैदा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि आप उसको कोई गिफ्ट दें, तो आपको सोच नहीं पा रहे कि आप उसको क्या गिफ्ट दें, तो आप ये बेबी प्रोडक्ट की जो किट है ना, बड़ी, इसमें 3 साइज़ आते हैं, मीडियम, स्मॉल। आप इसको परचेज़ करके भी आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। ये सबसे पहले ये जो है ना बेबी पाउडर, ये बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बहुत सॉफ्ट है और बच्चे की स्किन को बहुत हेल्दी करता है, नरम मुलायम करता है। इसमें बेबी की हर टाइप की चीज़ें मौजूद हैं, स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें। अब ये है बेबी बाथ। ये बेबी बाथ, इसका कलर देखें कितना कूल है, कितना ब्यूटीफुल है। ये बहुत ही प्यारा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी झाग देता है। और जब बच्चे के बॉडी पर लगाया जाता है ना, तो इसमें इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत बहुत अच्छी है और ये स्किन को सॉफ्ट और मुलायम कर देता है। उसके बाद है ये बेबी कॉलिंग, ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी मोस्टली उस वक्त यूज़ होता है जब बच्चों के स्किन पर लगाया जाता है। इसे एज ए फ्रेशनर या परफ्यूम है। आप इसे थोड़ा सा अपने हाथों पे लेके बेबी की स्किन पे लगा दें और सारा दिन ही खुशबू आती रहेगी। और तीसरे नंबर पर है बेबी शैम्पू, जो कि बेबी के जो हेयर्स हैं ना, उसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है बेबी ऑयल भी बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा गाढ़ा लिक्विड में होता है। इसे आप बेबी की मालिश भी कर सकते हैं और उसके हेयर्स पर भी लगा सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट सी है, जो बेबी को बहुत पसंद भी आता है। और यह बेबी लोशन, इसकी पैकेजिंग तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसके कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत सॉफ्ट है। उसके बाद आता है बेबी कैस्टर ऑयल, जिंक एंड कैस्टर ऑयल। ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बेबी के डायपर वाली जगह पे लगाया जाता है मोस्टली। ज़्यादातर बच्चों को ना डायपर जब चेंज करते हैं ना, तो उनको रैशेज़ हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो इसको वहाँ पर लगा दें तो ये एंटी एलर्जिक होता है और ये जल्द बच्चे के जो रैशेज़ वगैरह होते हैं ना, उसको जल्दी से कवर अप करता है। और इसमें बहुत ही ठंडा कूलिंग इफेक्ट होता है, जैसे कूलिंग टैल्क होता है ना, तो इसमें भी कुछ उस टाइप का ही होता है। और ये बच्चे की स्किन को ना बहुत सॉफ्ट भी करता है और ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। उसके बाद है बेबी सोप, ये इसमें ग्लिसरीन मौजूद होती है और ये जो स्किन को ना बहुत सॉफ्ट रखता है, और इससे बेबी की जो स्किन है ना, वो बहुत हेल्दी और अच्छी रहती है। इसके पैकेजिंग के बैक साइड पर भी सब कुछ बताया गया है कि ये क्या है, किस लिए यूज़ होता है, और प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलता रहे। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, किसी तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं किया गया।